Hey friends, welcome to Be Alive with Anurag Rishi. I am a transformational speaker, human potential trainer, a counselor and your friend. और मैं आपसे बात कर रहा था लास्ट वीडियो में कि कौन सी वो बातें हैं जो मेंटली स्ट्रांग इंसान जिनका त्याग कर देते हैं, या कौन सी वो चीज है जिनका हम भी त्याग करके मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में फिजिकल स्टेमिना और फिजिकल हेल्थ जितनी ज्यादा जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेमिना। और जिस इंसान के पास मेंटल स्टेमिना है, जो मेंटली स्ट्रांग इंसान है, वो जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। तो मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए कौन सी वो चीजें हैं जिनका हमें त्याग करना है, ऐसे 6 पॉइंट्स इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। और अगर आपने वो मिस कर दिए हो तो यहाँ मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस फर्स्ट पार्ट का लिंक जरूर दूंगा, ताकि आप इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद उस वीडियो को भी जरूर देख सकें। Without wasting a single second, उन next 7 points को discuss करते हैं। Let's begin. Point number 7, they don't dwell on the past. Means जो mentally strong लोग हैं, वो कभी भी past में नहीं जीते। वो ये नहीं बोलते फिरते कि काश तब ऐसा किया होता तो आज ऐसा हो जाता। वो जानते हैं कि पास्ट में जो हो गया उसे छोड़ो, आज जो प्रेजेंट है, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द राइट मोमेंट टू एग्जीक्यूट थिंग्स। वो पास्ट का रोना नहीं रोते, वो आज के टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज के टाइम को एग्जीक्यूट करते हैं प्रॉपरली, आज के टाइम को इम्प्लीमेंट करते हैं, सही चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो जानते हैं कि प्रेजेंट में रहने से ही एक अच्छा फ्यूचर बनेगा, पास्ट में रहने से कभी भी एक अच्छे फ्यूचर का निर्माण नहीं किया जा सकता। तो अगर हमें भी मेंटली स्ट्रांग बनना है तो पास्ट के रोने को छोड़ना होगा, आज में एक्शन लेना होगा, ताकि हम एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकें। पॉइंट नंबर 8, दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर, एंड दिस इज माय पर्सनल बेस्ट। और अक्सर जो मेंटली वीक लोग हैं, ये काम करते हैं कि एक गलती को बार बार दोहराते हैं, लेकिन वहीं जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, वो एक गलती को दोबारा यानी दूसरी बार भी नहीं दोहराते। वो एक गलती को दोबारा इसलिए नहीं दोहराते क्योंकि पहली बार जब वो गलती करते हैं तो वो उससे सीखते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम गलती करना बंद कर देते हैं अगर हम मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। गलती हर इंसान से होती है, हर इंसान करता है, लेकिन पहली बार जब वो गलती करता है, अगर वो उससे सीख ले तो वो कभी भी उस गलती को दोबारा नहीं करेगा। वो उससे एक लेसन लेगा, एक सीख लेगा और अपनी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाएगा। इसलिए जो गलती हो गई, उससे लर्निंग लो, उससे लेसन लो कि ये काम जिंदगी में दोबारा नहीं करना, और ये चीज हमें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। पॉइंट नंबर 9, दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। वो दूसरे लोगों की खुशी में खुश होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इसको कामयाबी बहुत ज्यादा मेहनत करके मिली है और मेहनत को वो लोग अप्रिशिएट करना जानते हैं। जो लोग मेंटली स्ट्रांग लोग हैं, वो किसी से जेलसी नहीं रखते, वो किसी से हेट्रेड नहीं रखते, वो हर एक के काम की उतनी ही वैल्यू करते हैं जितनी वो अपने काम की करते हैं। वहीं मेंटली वीक लोग दूसरे लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते, वो हमेशा ये देखते हैं कि ये इंसान तरक्की कैसे कर गया, अरे मैंने तो अब तक इतने टाइम में कुछ नहीं किया और ये इतनी जल्दी इतनी ज्यादा कामयाबी हासिल कर गया। अगर हमें वाकई दूसरे लोगों की सक्सेस को देखना है सही तरीके से, तो हमको उनकी जर्नी को देखना होगा, हमको उस प्रोसेस को देखना होगा जिस प्रोसेस से वो गुजरे हैं और उन्होंने कामयाबी हासिल की है। और एक इंसान जो मेंटली स्ट्रांग है, वो किसी दूसरे की कामयाबी से हमेशा खुश होगा, चाहे वो उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। वो चाहेगा, वैसे मेंटली स्ट्रांग लोगों के दुश्मन नहीं होते, वो चाहेगा कि हर इंसान कामयाबी हासिल करे, हर इंसान तरक्की हासिल करे, और वो उनकी तरक्की से उतना ही खुश होगा जितना वो अपनी कामयाबी से। पॉइंट नंबर 10, दे डोंट गिव अप आफ्टर देयर फर्स्ट फेलियर। क्या हुआ होता अगर थॉमस अल्वा एडिसन ने 5-7-10 बार ट्राई करने के बाद बल्ब बनाने का निर्णय त्याग दिया होता, उन्होंने क्विट कर लिया होता 10,000 बार कोशिश करने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब का आविष्कार कर पाए थे। लेकिन 10,000 बार वो फेल नहीं हुए थे, हर बार कुछ नया सीखा। जो लोग मेंटली स्ट्रांग हैं, वो बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते। वो जानते हैं कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल इंसान में एक फर्क ये भी होता है कि वो इंसान जिसे सक्सेसफुल होना है, वो कोशिश करना बंद नहीं करता है, चाहे सिचुएशंस कैसी भी हो, लेकिन हर सिचुएशन में वो डट कर खड़ा रहता है। स्टीव जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने दोबारा से बाउंस बैक किया और उसी कंपनी को एक दिन पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉफिटेबल कंपनी बना दिया। और आज हर इंसान प्रिविलेज फील करता है कि उसके पास एप्पल का मोबाइल है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ स्टीव जॉब्स की मेंटल स्ट्रेंथ थी। आज दिन में हमें सूर्य रोशनी देता है और रात में थॉमस अल्वा एडिसन की मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से हमें रोशनी मिलती है।
पॉइंट नंबर 11, दे डोंट फियर अलोन टाइम. वो अकेले रहने से कभी नहीं घबराते, वो अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं. वहीं दूसरी तरफ जो लोग मेंटली वीक होते हैं, वो जब अकेले रहते हैं तो वो अपने आप से बोलने लग जाएंगे कि मैं बोर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा. लेकिन जो लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं वो सबसे ज्यादा अपनी खुद की कंपनी को एंजॉय करते हैं. और मेंटली स्ट्रांग लोग ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर उन्हें किसी का सबसे अच्छा दोस्त बनना है तो पहले खुद का सबसे अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा. अगर उन्हें किसी की वैल्यू करनी है तो सबसे पहले खुद की वैल्यू करनी पड़ेगी. और अगर उन्हें किसी दूसरे को जानना है तो उसको जानने से पहले खुद को जानना पड़ेगा. इसलिए वो अपनी कंपनी को एंजॉय करते हैं, इसलिए वो अकेले समय बिताने में घबराते नहीं है. और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितने भी लोगों को एनलाइटनमेंट हुई है, जितने भी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अकेले में ही हुआ और फिर उन्होंने उस ज्ञान को पूरी दुनिया के साथ बांटा. और हाँ, मेरा यहाँ पर ये कहने का बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि आप अकेले टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं. यहाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है कि आप लोगों के साथ तो टाइम स्पेंड करते ही हैं, लेकिन जब भी आपको खुद के साथ अकेले में टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो उससे घबराएं नहीं. और अगर आप भी अकेले टाइम स्पेंड करने में घबराते नहीं है तो यकीन मानना, आप एक मेंटली स्ट्रांग इंसान है और आप भी हर चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं. Point number 12, they don't feel the world owes them anything. यानी कि वो ये बदले में कभी भी नहीं चाहते कि लोग उनके लिए कुछ करें. बहुत से लोग जिनको आप mentally strong लोग कहते हैं, वो कभी भी दूसरों के लिए जब काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, तो इसी उम्मीद से करते हैं कि वो दूसरों की जिंदगी में कुछ बेटरमेंट ला पाए, कुछ सुधार कर पाए. लेकिन वो बदले में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते दूसरे लोग भी हमारे लिए कुछ करें, हमारा नाम लें या हमारी वाह वाह करें. और ऐसा करने से वो सेल्फ डिपेंडेंट भी बनते हैं. जब हम दूसरों से एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा रखते हैं तो हम दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं. हमारी खुशी, हमारी कामयाबी, हमारी हैप्पीनेस दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाती है. मेरी हैप्पीनेस का लेवल इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूं, इस बात का नहीं कि बदले में रिटर्न मुझे क्या मिलेगा. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 13, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट. आप देखोगे जो लोग मेंटली वीक हैं, वो ऐसी जगह पर जरूर जाएंगे, 5 दिन में 15 किलो वजन कम करें, 3 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखें, 2 दिन में हवाई जहाज उड़ाना सीखें, वो ऐसी जगह पर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे. लेकिन एक मेंटली स्ट्रांग इंसान ये जानता है कि हर चीज का एक प्रोसेस है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है. अगर हमें पेड़ काटना हो तो 1 मिनट लगता है, लेकिन वहीं जब पौधा लगाया गया, उस पौधे से एक विशाल वृक्ष बनने का जो सफर था वो 1 मिनट का नहीं था. उस प्रोसेस में टाइम लगा. क्यों? क्योंकि खत्म करने में सिर्फ 1 मिनट लगता है, लेकिन बनने में एक पूरा प्रोसेस लगता है, समय लगता है. और मेंटली स्ट्रांग लोग इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ओवरनाइट सक्सेस कुछ भी नहीं होती, उसके पीछे बहुत कड़ी मेहनत होती है, उसके पीछे बहुत लगन, बहुत तपस्या होती है, जिससे बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है. इसलिए अगर हमें भी मेंटली स्ट्रांग बनना है तो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन को छोड़ना होगा. बहुत जल्दी जहां पर रिजल्ट मिल रहे हैं, अगर हम वहां भागना चाह रहे हैं तो उसकी तरफ मत भागो, क्योंकि ये चीजें हमें मेंटली वीक बनाती हैं, हमें सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनाती और हमारी ताकत को पहचानने का मौका कभी भी नहीं. बहुत से लोग जैसे बॉडी बनाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वैसे ही दिमाग को ताकतवर बनाना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये दिमाग ही है जिससे हम अपनी जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं और जिंदगी में किसी भी मुकाम तक पहुंच सकते हैं. अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के भी काम आ सकता है, आप इसे फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी शेयर कर सकते हैं और किसी दूसरे की जिंदगी में थोड़ा सा बदलाव ला सकते हैं. आप मेरे फेसबुक पेज पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं. ये मेरे फेसबुक पेज का एड्रेस है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत जल्दी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग की सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ अपने फेसबुक पेज पर, जहाँ पर आपको एक वंडरफुल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक बेहतरीन मौका मिलेगा अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने का, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का और अपनी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा अचीव करने का. सो डोंट मिस दैट अपॉर्चुनिटी. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि किन टॉपिक्स पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं जो आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज ला सके. बहुत जल्दी मिलते हैं ढेर सारी इंस्पिरेशन और मेंटल स्ट्रेंथ के साथ. बी हैप्पी, बी अलाइव.